वह पिछली वाली वीडियो में हमने थोड़े बहुत साइड मिशन टाइप करे थे, हिडन रन्स का भी सेटअप करवाया। एक रोमन आर्टिफैक्ट वाला बंदा था, उसका कोई बहुत कीमती रोमन स्टैचू था जो कोई चुरा चुरू के पता नहीं कैसे करके लेके भाग गया था, उससे हमने वापस ला के दिया था। एक हमने जो हमारे सपनों का मतलब तो बताती है उसे अपने वेस से सेटअप करवाया था, और भाई कुछ भेड़िए वगैरह थे जो हमारे यहाँ के बंदों को परेशान करे थे तो उनका भी शिकार विकार करा था, और भी काफ़ी कुछ मतलब अपने बेस के बेसिकली हमने काम वगैरह निपटाए थे, और भाई अपने बेस को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करे था हमने। आज वापस हमें गुड़गांव जाना है, वहाँ पे क्या था, सोमा को हमने उसका शहर तो वापस दिलवा दिया था लड़ाई लड़ाई करके, लेकिन भाई एक उसका इशू था कि उसके तीन बंदे थे जो कि भाई उसके बिल्कुल ट्रस्टवर्दी थे, लेकिन उनमें से किसी ने उसके साथ में गद्दाई करी थी, तो हमें पता लगाना था कि वो कौन था। भाई वहाँ पे जो विगमैन था जिससे उसकी मेन लड़ाई थी वो तो भाग गया था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है एक्सटर्नली, तो उसके भी देखना क्या करना है। तो खतरनाक भाई यो दो गए भाई तब एक बार में, वो तो नीचे गया यो। चल गिर गिर आ गया, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है। That's all of them. Oh, भाई। इसने तलवार घुसा के नीचे बैग दिया। ठीक है तो भाई यार हमने जो विग मैन का सपोर्ट करे थे बंदे उन्हें ठोक ठाक दिया। तो भाई यार अभी हमें क्या करना है, सोमा के जितने भी तीनों के तीनों ट्रस्टवर्दी बंदे हैं उनके साथ में एक एक जो विग मैन का साथी है उसे असैसिनेट करना है, मतलब उसे ठोकना ठाकना है। तो एक तो जो सेना उसके साथ गई थी विग मैन का उनके तो हमने हमला कर दिया था, लेकिन अभी कोई पीस भी है उस पर भी हमें हमला करना है, वो उसका विग मैन के साथ दे रहा है। और इसने ये जो बंदा है लीफ, इसने कहा है कि मैं जो मतलब मेरी सेना है तीन बंदे इसकी सेना के नाम पे, तो ये तीन बंदे तो उसके जो मतलब प्रीस्ट है, नहीं तीन नहीं ज़्यादा है, पांच है, हाँ पांच ही हैं, बहुत बड़ी सेना है। हाँ तो मतलब इसके जो गिनती के पांच बंदे हैं ग्रेट आर्मी, ये लोग क्या करेंगे उसके जो सोल्जर्स हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हम दोनों उसे ढूंढेंगे प्रीस्ट को, और भाई से पेल पाल के वापस सोमा के पास जाएंगे। तो भाई ये एक चर्च सा बना हुआ है, इसी के अंदर है वो पादरी। भाई अभी हमने क्या करा, एक शीशा फोड़ दिया और यहाँ से चल के देखते हैं अंदर। हाँ आ रहा है, आ रहा है, कोई चेक करने आ रहा है इसे बंदा, नहीं आ रहा है। तो चलो यार इसके पास तक तो पहुँच ही गए करीब करीब, This priest's lies will not poison the Shire anymore. We should leave. तो हो गया भाई इसका काम तो, और अब हमें क्या कहते हैं यहाँ से चुपचाप जैसे आए तो ऐसे ही निकलना है बिना किसी को पता लगे, यहाँ कोई फालतू के पंगे होंगे नहीं लेने। तो भाई अभी हम वहाँ से निकल गए और वो बंदा चला गया जो सोमा का लॉयल मैन था, तो
वो कह रहा है कि हम किस दिन फिर मिलेंगे, कोई और काम होगा तो। और ठीक है यार, चलते हैं अब इसके तीसरे लॉयल बंदे से बात करने, वो देखते हैं वहाँ पे क्या मिशन मिलता है हमें। भैया दो चार बीच में बंदे आए थे ऐसे ही फालतू बोल रहे थे, उन्हें भी हमने पेल पाल दिया, कोई टेंशन ऐसी बात नहीं आई वैसे निकलते टाइम। तो भैया हमने इससे भी क्या करते हैं वही सवाल पूछे कि भाई तुम्हें सोमा कैसे मिली, तुम सोमा के बारे में क्या सोचते हो, और जो बाकी के दो बंदे हैं सोमा के सर्कल में उनका क्या हिसाब किताब है, वो सोमा के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें सोमा कैसे मिली वो सब। और क्या कहते हैं वही हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इससे हम पता लगा लेंगे कि क्या सीन है वास्तव में इनका, कौन हो सकता है वो धोखेबाज। खैर जब तक रेड करने चलते हैं इस बंदे के साथ में, सामने जाना है। तो भाई यहाँ थोड़े बहुत बंदे बंदे से मिल रहे हैं, उन्हें ठोक ठक रहे हैं हम। तो क्या कहते हैं पूरे में आग वाग लग चुकी है ढंग से, देख लो पीछे करने जा रहा है ऐसा से, क्या कहते हैं राउंड राउंड चला तो आग पीछे ढंग से इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अरे भाई संभल के आएगा यार, आग वाग लग जा रहा है भाई। खतरनाक वाला बाजी है तो। इसे मारना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, ये थोड़ा सा हाई लेवल बोल दिया गया। हाँ भाई हमारा बंदा है साढ़े इतना बड़ा हो गया। हाँ भाई क्या भाई तुम आ जाओ पहले, उससे बाद में लड़ेंगे भाई साहब, थोड़ा सा बड़ा वाला बोल दिया। अरे भाई डिसाइड कर लिया पहले, क्या बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा है किससे लड़ना है किससे नहीं, लड़ जाते पहले इसे रिवाइव कर लिया। हाँ भाई हाँ भाई अरे आ जाओ बेटा यार, हेल्थ लगानी पड़ेगी भाई साहब, इन्हें कुछ ज़्यादा हेल्थ खराब कर दी। आजा बेटा आजा, ये तो गैंग वैंग करेंगे। खत्म भाई साहब, बड़ा मुश्किल था ऐसे ठोकना। तो भाई फाइनली हमने पूरे इलाके में नू मलिक जी की आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, और अभी इस बंदे से बात कर लेते हैं। ठीक है तो भाई यार वो जो बंदा है विगमैन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि भाई उसका जितना भी एक्सटर्नल सपोर्ट था वो पूरा हमने ख़त्म कर दिया है, और क्या कहते हैं उसके सोमा के तीनों बंदों के साथ मिल के बारी बारी से। और अब भाई मैं तो सोचा था कि आज ही करेंगे, पता लगाएंगे कि भाई कौन था वो बंदा जिसने सोमा को धोखा दिया था, लेकिन भाई आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इससे आज की वीडियो में तो इतना ही। अगली वाली वीडियो में जरूर पता लगाएंगे कि भाई वो कौन था जिसने सोमा को धोखा दिया, और भाई अब उसका क्या करना है कैसे बात है। तो आज वाली वीडियो बस इतना ही, बजाय तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।